बोल तो मेरी जान करेंगे मौज जमाने में सर कोई छोटू घंटों की तलाश के बाद हमारी मुलाकात आकांक्षा के पिता से हुई और वो भी उस विद्यालय के सामने जहां आकांक्षा पढ़ाई करती है। पिता के मुताबिक आकांक्षा क्लास 11 की छात्रा है जो मैनपुरी के ही कुंवर रामचंद्र सिंह लाल सिंह कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ती है। हर रोज की तरह आकांक्षा आज सुबह 7 बजे फिर स्कूल गई थी, लेकिन छुट्टी होने के बाद भी वह अपने घर नहीं पहुंची। पिता ने काफी खोजबीन की पर कुछ पता नहीं चला। हताश होकर पिता अपने हाथों को स्कूल के बाहर पटक पटक कर रोने लगता है और उस घटना की पूरी कहानी बयां करने लगता है। नाम था बेटी जो जिसका वीडियो वायरल हुआ है वही बेटी है ना, तो क्या घटना क्या घटित हुई? कुछ नहीं, हमारी बेटी पढ़ने आती थी स्कूल में। कौन से स्कूल में पढ़ने के? स्कूल में पढ़ती है। कौन से क्लास में थी? आज घर से निकली थी? मेरे घर से निकली ढाई बजे, पंच होगी मेरे बच्चा को बैठाना। कितने बजे निकली थी घर से? 7 बजे निकली थी। अच्छा, कितने बजे तक पहुंच जाती थी? साढ़े सात बजे नहीं तो यहाँ आप कितने बजे आए? मैं अभी आए, हमने इंतजार करके इंतजार कर रहे थे। अमूमन बच्ची कितने बजे घर पहुंच जाती थी? 2 बजे पहुंच जाती थी। कितनी देर इंतजार किया आपने? सुबह घर से कितने बजे निकली? 7 बजे निकली। स्कूल में पहुंचे तो इसमें आरसी इंटर कॉलेज में क्या कहा? बताई नहीं, ये बताई नहीं, नंबर ही नहीं बताया। किसी प्रिंसिपल प्रिंसिपल ने आपसे संपर्क किया? नंबर बता दे, स्टाफ ने नंबर भी नहीं दिया। अब नंबर बने का आओ तो अरे क्या हुआ, आप एकदम से घर से गायब हो गई अचानक से? सर मेरे घर वाले भी, मतलब मेरे घर वाले नहीं, मेरे घर वाले मेरे डांस को पसंद नहीं करते इस वजह से, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। लेकिन मेरे पड़ोस में और मतलब मेरे भागपुर, मेरे गांव से लगता हुआ है भागपुर, पापा ने मतलब उसे कहा होगा। मैंने पापा से कहा, मैंने पापा आप उनसे बात करके देख लो, मेरा चैनल बनवा दो। पापा ने एक बार कोशिश भी की, लेकिन वो बोल रहे भैया कि तुम सब ये झूठा क्यों वायरल कर रही हो, ये तुम्हारा डांस नहीं, मुझे उसकी उस बैकग्राउंड की फोटो चाहिए। अब बताओ, मतलब मेरे फ्रेंड के घर का था, वो बैकग्राउंड चेंज हो गया है। मैंने कहा मतलब वो सामान तो नहीं है, लेकिन वो बैकग्राउंड पीछे का है, वो तो हम दिखा सकते हैं ना। अच्छा, जिन्होंने आपकी मौत की सूचना सोशल मीडिया पर डाली, क्या लगता है वो कौन लोग हो सकते हैं? सर इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे मतलब मैंने बहुत कम। आपके पिताजी के मुताबिक कल 7 बजे आप स्कूल आई थी? यस सर। उसके बाद से आप गायब हो गई, क्यों? सर क्योंकि मेरे घर पे सर झगड़ा चल रहा है, इस वजह से सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और मेरे वीडियो के बारे में सब मेरे उंगली उठा रहे हैं, बार बार यही कहते हैं कि पता नहीं क्या करेगी, नाचने वाली बनेगी, क्या करेगी। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं। कल परसों बुलंद शहर का एक लड़का है, हर्ष स्टूडियो करके उसका एक चैनल है, जितेंद्र नाम है, उस पे आपने बात की थी और वीडियो कॉल भी किया था, उसमें क्या सच्चाई है? उसमें सर वो पूरी सच्चाई, उसने मुझसे वीडियो कॉल की थी सर, मतलब पापा भी सामने थे, मम्मी भी सामने थी, मैंने सबके सामने वीडियो कॉल की थी, और उन्होंने 2 गाने भी सेंड किए थे। बोल रही थी कि आकांक्षा आप इस पे डांस करके दिखाओ, तो मैं अगले गाने में तुम ही लूंगी। यस सर। अब क्या पति, अब आप घर जाना चाहती हैं? क्या चाहती क्या है आप? सर मैं घर जाना चाहती हूं। इस वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो ही गए होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आकांक्षा क्रिएटर आपको वीडियो मिलती रहेंगी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।